Hey friends, this is chapter number 17 from class 7 science NCERT. Chapter हम पढ़ेंगे हिंदी में, वन हमारी जीवन रेखा, इंग्लिश में बोले तो forests our lifeline. This is Igurukul, so let's start it. सबसे पहले ट्री के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया गया जो कि बेसिकली हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं. कैनोपी किसे बोलते हैं, क्राउन किसे बोलते हैं. तो देखिए, क्राउन क्या होता है, पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम, तने से ऊपर के भाग को क्राउन बोलते हैं. इसमें बेसिकली लीफ एंड ब्रांचेस एट्सेट्रा भी कवर हो जाते हैं. जबकि कैनोपी क्या होता है, रूफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, पत्तों का छत के जैसा स्ट्रक्चर को कैनोपी बोलते हैं. ये देखिए कुछ इस टाइप में आप देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन से पहले आप फॉरेस्ट की डेफिनेशन, एक तरह से बेसिक सी डेफिनेशन देख लीजिए. फॉरेस्ट क्या होता है, देखिए बहुत सारे पेड़ पौधे जहाँ एक जगह पे जहाँ पे उगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक लंबी चौड़ी जगह पे भूमि पर, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट. और डिफॉरेस्टेशन उसका अपोजिट हो जाता है, फॉरेस्ट को काटना, पेड़ पौधों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. फॉरेस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लाइक एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा. तो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली इज कटिंग डाउन ऑफ आवर ट्रीज एंड प्लांट्स. ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन को खुद के लिए जगह बनानी है, ठीक है, रहने के लिए बिल्डिंग्स बनानी है, सोइल पे पेड़ पौधों को कट करके अपने लिए उपजाऊ भूमि बनानी है, खेत बनाने हैं, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन करने हैं बहुत सारे फैक्ट्रियों के एट्सेट्रा. तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी है जो कि हम देखते हैं कि जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत वर्षों से जो जीव जंतु वहाँ पे रह रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन के कारण घर से निकल जाते हैं, उनके एक तरह से घर ही छूट जाता है. तो इसके बहुत सारे इस प्रकार से दुष्परिणाम हैं जो कि हम भुगत रहे हैं. इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस आ रखी है, जो कोल्ड है वो एक तरह से विंटर में बढ़ रहा है, और जो कि गर्मी है, ठीक है, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. तो ये डिफॉरेस्टेशन के ही दुष्परिणाम हैं. जब हम जो पेड़ पौधे जो काट रहे हैं उनकी अपेक्षा जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो बहुत ही कम है, तो ये डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज के में एक अहम रोल निभा रहा है, जो कि बहुत खतरा है हमारे लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए. तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएँ और इसको रोकें, ठीक है. इसके बाद फूड चेन का कॉन्सेप्ट आता है. फूड चेन देखिए क्या होता है, आपको जैसे नाम से सजेस्ट होता है, चेन एक क्या होता है, कोई लिंक होता है किसी चीज़ों का, ठीक है. जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं फूड चेन, देखिए ग्रास होती है जिसको कि एक डियर, एक हिरन खा रहा है, ठीक है. जो हिरन किसका खाना बनता है, लोइन का बनता है, शेर का बनता है. और जब ये शेर एक बार मर जाएगा तो इसकी बॉडी को, डेड बॉडी को इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीट खाते हैं, ठीक है. तो एक छोटी सी फूड चेन का एग्जांपल दिखाया गया, बोला गया कि ये बताती है फूड चेन कि हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट्स फूड, कैसे वो अपना फूड लेती है, एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी आर पास फ्रॉम क्रिएचर टू क्रिएचर, एक क्रिएचर से दूसरे क्रिएचर में न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी कैसे फ्लो करती है, ठीक है. तो ये सभी फूड चेन दिखाती है. और इसके अलावा फूड चेन हमेशा देखिए मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे प्लांट लाइफ से स्टार्ट होती है और एंड विद एनिमल लाइफ, ठीक है, एनिमल लाइफ पे एंड होती है. तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है इसका. और उसके बाद चैप्टर में बताया कि सभी फूड चेन एक दूसरे से लिंक रहती है. ये कि हमने सिर्फ एक फूड चेन का एग्जांपल देखा, इसके अलावा बहुत सारी फूड चेन होती है, आगे हम देखेंगे. और अगर इन फूड चेन में से कुछ भी एक एलिमेंट को हम निकालते हैं तो पूरी फूड चेन अफेक्ट होती है. जैसे कि इसी एग्जांपल में आप देख लीजिए, अगर इस हिरन को आप निकाल दोगे तो कभी आपने कहावत भी सुनी होगी, लाइन जो शेर है वो कभी घास नहीं खाता, ठीक है. इसलिए ये पूरी फूड चेन ही अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है. इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फूड वेब का. देखिए चैप्टर में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो मैंने ये ऐड कर दिया. फूड वेब क्या होती है, देखिए
फूड ए नंबर ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरलिंक टू ईच अदर इज कॉल्ड फूड वेब। तो फूड वेब क्या है, कॉन्सेप्ट है, फूड वेब होती है एक कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फूड चेन। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे देखा कि जो फूड वेब है, फूड चेन है सॉरी, उसमें ग्रास सबसे पहले हमने देखा था कि ग्रास को हिरन खाएगा, ठीक है, और हिरन किसके एनर्जी फ्लो में काम आएगा, लॉयन के, तो एक टाइप की फूड चेन होगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें पता है कि ग्रास सिर्फ हिरन ही नहीं खाता, और सारे भी कुछ जीव हैं जो कि इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो ये भी शिकार हो सकता है लाइन का, ठीक है, एंड ऑल्सो कुछ ऐसे क्रिएचर है जो इसको खा सकते हैं, तो ये भी एक टाइप की सेकंड फूड चैन हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। इसके अलावा देखिए, आगे देखेंगे, ये एक इंसेक्ट हो गया, ये भी ये ग्रास को खा सकता है, ठीक है। अब ये इंसेक्ट किसका शिकार, किसी बर्ड का शिकार बन सकता है। अब ये बर्ड देखिए, इसका शिकार बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों फूड चेन इंटरलिंक हो गई। इसके अलावा कुछ और जीव है जो कि कुछ और चीज़ें खाते हैं, ठीक है। अब ये गिलहरी का एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन ये भी इसका शिकार बन सकती है, इसका शिकार बन सकती है, इसका भी शिकार बन सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारी फूड चैन एक टाइप से इंटरलिंक हो गई। अब ये डियर ये भी खा सकता है, ठीक है। तो कि हिसाब से कई सारी आप देखेंगे, एक पूरा जाल सा बन गया, वेब बन गया, जाल बोल जिसको बोलते हैं, तो इसी फूड वेब, फूड जाल को बोलते हैं, इसी फूड जाल को बोलते हैं फूड वेब, जो कि एक से ज़्यादा एनर्जी फूड चैन को कंपोज करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमस का, डीकम्पोजर्स का। ह्यूमस देखिए क्या होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होता है सोइल में, डार्क कलर का, ठीक है, जिसको हम कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखता है, डार्क कलर का, ठीक है, जिसको बनाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, मशरूम्स। अब ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर देखिए कैसे बनाते हैं, कि ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को, और इनको डिकम्पोज मतलब कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में, जो कि सोइल में जाके मर्ज हो जाते हैं, और ये इस प्लांट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये डिकम्पोजर और ह्यूमस का कॉन्सेप्ट साथ में याद रखना पड़ेगा, और कुछ इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, मशरूम्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, ओके। इसके बाद बोला गया इंटर रिलेशनशिप ऑफ फ्यू थिंग्स अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, डिकम्पोजर, सोइल, वाटर और प्लांट्स, इनके सब के एग्जांपल दिखाए। आपको पता था जैसे हमने पढ़ा डिकम्पोजर क्या, डिकम्पोज करता है जैसे प्लांट्स के पत्ते आ गए, गले सड़े, इनको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, जबकि ये सोइल से वाटर और अदर चीज़ें लेता है, और सोइल हमें पता है प्लांट्स को वाटर देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक दूसरे का काम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसी को इंटर रिलेशनशिप बोला जाता है। अब ये भी बताया गया कि इनमें से अगर कोई एक भी इफ़ेक्ट होता है तो पूरी इंटर रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद सोइल इरोजन का कॉन्सेप्ट होता है कि प्लांट प्रिवेंट्स द सोइल इरोजन, कैसे, जैसा हमें पता है कि जो प्लांट्स की जड़ें होती है सोइल में रहती है, तो ये बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है, बहने नहीं देती। सोइल इरोजन देखिए पहले जान लीजिए होता क्या है, सोइल जो होती है उसकी ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट रहते हैं, उसका बहना ही सोइल इरोजन होता है। कई कारणों से होता है, विंड से भी हो सकता है, हवा से भी, तेज़ बहाव से, या तेज़ बारिश से भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको रोकने के लिए जो प्लांट है अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें इसको होल्ड करके रखती है, प्लस जो इनकी कैनोपी है वो तेज़ बारिश से तेज़ बारिश को रोक देती है। कैसे, तेज़ बारिश इन पे आई जो धीरे बूंदे फिर इससे रिस रिस के ब्रांचेस से बहुत धीरे धीरे आती है, जिससे कि इसका जो कटाव है सोइल का वो कम हो जाता है, सोइल इरोजन रुक जाता है, ठीक है। तो ये सब बताया गया है। इसके बाद प्लांट जो होते हैं वो
ओ टू देते हैं हमें, सी ओ टू कंज्यूम करके ऑक्सीजन देते हैं और एनिमल जो है फिर सी ओ टू देते हैं प्लांट को, इस तरह से चक्कर चलता रहता है। तो यही था इस चैप्टर में, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्प्रेड द लाइट ऑफ एजुकेशन, गुड बाय।